बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज वीकली रैपअप लेके आया हूँ। लास्ट वीक रह गया था, कुछ तबीयत नासाज थी। तो चलिए आइए इस वीक को हम मतलब फॉलोइंग वीक जो आने वाला है, जो रोल ओवर वीक भी है, तो उसमें थोड़ा सा आपको पता है रोल ओवर वीक में काफी इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, फ्लक्चुएशन बहुत होती है, वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी आती है कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने की वजह से। और वैसे भी अगर हम देखें तो इस वक्त RSI जो है वो वीकली पे देखें तो 82 पर है और डेली पे 88 पर है, तो ओवरबॉट जोन में है। तो यहाँ थोड़ा सा इस लेवल पे केयरफुल होके काम करें, एग्रेसिव ना हो अपर साइड पे। अच्छे स्टॉक हैं, अगर बहुत अच्छा लगता है आपको कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जो डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं जिनका पी रेशियो अभी भी बहुत अच्छा है, उनमें आप जो है एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अब आइए हम इसको टेक्निकली जो है इसको एनालाइज करते हैं। वीकली पे आ जाते हैं दोबारा हम, ठीक है। वीकली पे अगर हम आए इस वक्त तो थोड़ा इसको मैं जूम इन करके बता दूं कि ये आपको याद होगा मैंने पहले भी वीडियो शेयर की थी, तो मैंने बताया था कि 57,000 जो है वो एक्सपोज्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 57,000 भी हिट हुआ, अचीव हुआ टारगेट हमारा। और इसके बाद जो है 57,700 तक मार्केट गई है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ट्रेंड लाइन की मदद से बता दूं जो लास्ट वीक रह गया था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और यहाँ पता है जरा नेचर, आदमी जरा जल्दबाज होता है, आदमी की नेचर है, तो मेरे पास मैसेज आते हैं कि जरा शॉर्ट बनाया करें, शॉर्ट बनाया करें, तो शॉर्ट के चक्कर में जो है ना वो सीखना रह जाता है, ठीक है। ये देखें इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस एरिया था इस जगह, इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। ये वाला देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, ठीक है, जो आखिरी जो हाई किया था इसने और इसको रीटेस्ट भी किया था 48,800 का, 49,000, ये एक जो है रेजिस्टेंस एरिया था। हॉरिजॉन्टली भी इसको बता देता हूँ, ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस था। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ। 49,000 का एरिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो इसी को अगर हम देखें तो पहले ये हाई लगा 43,000 का, तकरीबन 43,300, फिर दूसरा हाई हुआ हायर हाई 46,875, फिर नेक्स्ट हायर हाई 48,809, 49,000 के अराउंड। अब जो जो मार्केट ने अभी अपना हाई किया है वो अभी जो फिलहाल जो इस तक नजर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए, अगर हम ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ली है तो इसका रेजिस्टेंस एरिया जो जिसका समझे रेजिस्टेंस, देखिए लोग अक्सर रेजिस्टेंस में घबरा जाते हैं, अरे रेजिस्टेंस ठीक है, रेजिस्टेंस है और RSI भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अच्छा, देखे ना हमारा अच्छा बेंचमार्क था वो अचीव हो गया 8,000 बिलियन रुपीज, या जिसको हम कहें 8 ट्रिलियन रुपीज का, इसका मैंने ट्विटर में भी बताया था आपको। तो अभी इस वक्त देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अच्छा इंक्रीज हुआ हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ, अभी भी कुछ 8,000 समथिंग के अराउंड है। जुम्मे वाले दिन ऑब्वियसली हमने इसमें देखा थोड़ी कमी हुई है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप देख लेगा। मैं हमेशा जब भी मैं स्पेशली ये मार्केट का एनालाइज करता हूँ तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में मार्केट कैपिटलाइजेशन जरूर लिखता हूँ, क्योंकि यही मेरा असल इंडिकेटर है। सब इंडिकेटर यूज करता हूँ मैं, सब तो नहीं, जो जो मेरे जिसमें मेरी प्रैक्टिस है, तो बहुत से लोग इंडिकेटर टेक्निकली करते हैं, इंडिकेटर यूज होता है, इसमें इंडिकेशन आती है, लेकिन इसमें सब मैंने हमेशा कहा है कि बिजनेस चलाने के लिए कैश फ्लो जरूरी है। जब मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा तो सारे आपके टेक्निकल वेक्निकल सब इंडिकेटर काम करेंगे, सब आपको बुलिश शो करेंगे। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे जब तक ये बेंच मार्क अचीव होते रहेंगे मार्केट चलती रहेगी, और यही हुआ कि 6,000 से 6,500 हुआ बेंच मार्क हमारा अचीव हुआ, फिर 7,000 हुआ, 7,500, अब 8,000 हो गए। इसी तरह अगर कैश फ्लो बढ़ता रहा, अब अगर अगला, मैंने पहले भी पिछली वीडियो में कहा था कि 8,500 का जो है बेंचमार्क है, 8,500 बिलियन या 8.5 ट्रिलियन रुपीस जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, तो मार्केट इंशाल्लाह और ऊपर जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल देखें, थोड़ा सा मैं डेली पे नजर अगर डालता हूँ, आप भी मेरे साथ देखें डेली को, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिया हूँ, इतर यार बार बार ये इसको मैं थोड़ा जूम इन कर दूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम इन करके बताऊं तो यहाँ पर इसको देखें, इसको टेक्निकली डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। तो यहाँ पे
इस पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको ये सर्कल भी बना के दिखा देता हूँ, ये वाला इसके ऊपर बुलिश कैंडल के बाद ये इस तरह की बेरिश कैंडल बने ना, तो इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं। ये वाला जो जो पहले ओजी पीपल, और जरूरी नहीं है कि डार्क क्लाउड कवर हो तो इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। हाँ आती है नीचे, लेकिन हो सकता है इसको ब्रेक करते, जैसे ओजी में हुआ, ओजी में डार्क क्लाउड कवर बना, इसके बाद 93 कल में था 104 के करीब, ऐसे ही डार्क क्लाउड कवर बना था 93 का, इसने लो किया ओजी ने, और उसको इसको तोड़ते हुए 104 के रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए 114 तक भी गया है, 114 115 तक बैरल। तो इसी तरह इसमें भी डार्क क्लाउड कवर बना है, तो करेक्शन ऑब्वियसली अगर हम इसमें देखें आरएसआई के हिसाब से तो करेक्शन ड्यू नजर आती है। ठीक है, अब कहां तक करेक्शन होती है, इसकी हेल्प जो है हम वैसे तो है वीकली का, लेकिन डेली पर भी ये काम करेगा। ठीक है, जैसे ये बताया हुआ तो डेली पे यहाँ पे पहले भी से सपोर्ट लिया था इंडेक्स ने 56,156 पे। ठीक है ना, तो ये अभी भी सपोर्ट जो है 56,156 बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और ये फिर यहाँ से सीपीआर शुरू हो जाएगा। अगर इसके नीचे आता है और इसमें दरमियान परफॉर्म करता है तो थोड़ा कॉशियस रहे, इसके अंदर अंदर आ जाता है, इस बैंड के अंदर 55,900 से लेके 53,900 तक। तो यहाँ पे आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन डिक्रीज तो नहीं हो रहा इस इन इन बिटवीन दीज टू बैंड्स, स्पेशली अपर बैंड एंड लोअर बैंड। हो सकता है कि यहाँ पे कोई डोजीज बनना शुरू हो जाए, या यहीं पर ही कोई डोजीज बनना शुरू हो जाए तो फिर बहुत ही केयरफुल होकर काम करें। यहाँ पे अगर अपर साइड पे डोजीज बनना शुरू हो जाए तो केयरफुल रहें, अपर साइड पे सेल ही करें। 57,500 ये वाला लेवल जो है, 700 500 ये सेलिंग एरिया है, तो इसमें केयरफुल होकर काम करना चाहिए। नीचे की तरफ थोड़ा वेट करें बाय करने का, स्पेशली इन एरियाज में देखें, अगर यहाँ पे कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट जैसे विक बन रही है, और यहाँ पे कोई इंडिकेशन जो है बुलिश की आ रही है, तो फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। चलिए आइए, अच्छा इसमें हम एक और भी चीज देख लेते हैं, आरएसआई की तरफ आ जाते हैं। अच्छा आरएसआई में देखें, आरएसआई पे पहले हम देख लेते हैं, हल्का सा मुझे लग रहा है डाइवर्जेंस यहाँ पे लग रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालें तो देखें झुकाव नीचे की तरफ है, यहाँ पे अपर साइड पे ये ऊपर जा रहा है, और ये तो आर एस, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इससे समझा देता हूँ ट्रेंड लाइन बना के। ठीक है, और एक यहाँ पे भी बना देता हूँ अपर साइड पे। ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके जूम इन कर देते हैं, यहाँ पे भी देखें हम ये साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्लोजिंग ये आई है 57,000 पे, तो देखिए हल्का सा हमें डाइवर्जेंस यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ अगर तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, एमएसईडी की भी काफी काम करता है, देख ले। अब ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ हल्का सा डाइवर्जेंस है इस पे, और इसके ऊपर अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं आ रहा, ये सही जा रहा है, अपर साइड पे डाइवर्जेंस सही जा रहा है, लोअर साइड पे थोड़ा डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अगर एमएसईडी पे नजर डालें तो अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, डेली पे आवरली पे देख लेते हैं, आवरली पे हो चुका है क्रॉस ओवर, और 15 मिनट चार्ट में तो बहुत पहले हो चुका है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे फिर ये यहाँ पे ये हिस्टोग्राम जो है थोड़ा कूल डाउन हुआ है, यहाँ पे काफी हाई मतलब सेलिंग काफी है, यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हुआ। और वीकली पे नजर डालें तो वीकली पे तो अभी अपर हिस्टोग्राम तो अभी आपको शो करा है, लेकिन यहाँ पे भी देखें जिस तरह ये देखें ये बहुत ही यहाँ पे हीट हो जाती है, यहाँ पे भी हीटेड हो गया है। ठीक है, सेम यही सिनेरियो बन रहा है, देखें काफी हिस्टोग्राम ऊपर तक गया है, यहाँ पर भी ऊपर तक गया है, हो सकता है ये वापस नीचे की तरफ आए और कूल डाउन हो, इसी तरफ ही है वापस 90-95 के करीब जो है, 95 तो नहीं, 100 और 90, बिटवीन 100 to 95 आ सकता है यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, तो यहाँ से फिर ये अपर साइड पे मूवमेंट, ये वीकली पे बता रहा हूँ, हो सकता है
पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर भी आया था तो यहाँ पर आया था 90 के, बल्कि रेड भी बन गया था, नीचे आने वाला था, लेकिन नेक्स्ट जो हिस्टोग्राम ने उसको निगेट किया और अपर साइड हमने मूवमेंट देखी इसमें। तो कहने अभी क्रॉस ओवर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डेली पे नहीं आया है, डेली पे आरएसआई पे भी इतना कोई बड़ा डाइवर्जेंस नहीं है। अगर मैं आपके साथ ये इधर शेयर करूं, अच्छा वॉल्यूम अगर देखें, वॉल्यूम जो है लास्ट वीक के मुकाबले में इंक्रीज हुए हैं, ये देखें। अब ये देखें ना, हमेशा ये देखें ना, ये लोग कहते हैं ओहो यहाँ सेलिंग आई, ऑब्वियसली सेलिंग आई है, तो नीचे किसी ने अगर सेल किया है ऊपर की तरफ तो किसी ने बाय भी किया है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग अभी बाय करें, अभी थोड़ा सा जो है सेफ साइड पे रहें, क्योंकि रोल ओवर वीक है। मैं मतलब कहने का ये है कि थोड़ा वेट करें, हो सकता है नीचे आपको मिले। अगर कोई चीज आपको फर्ज करें 1 रुपए नीचे मिल रही है तो हो सकता है आपको 1.5 रुपए नीचे मिल जाए या 2 रुपए नीचे मिल जाए, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से तभी थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ये वाला लेवल बहुत क्रूशल है, और ये वाला लेवल जो मैंने जैसा पहले भी आप इसने इंडेक्स से सपोर्ट लिया था, ये वाला एरिया, ये जो बुलिश कैंडल है इसका नेक लाइन सपोर्ट जो है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, 56,525, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ये कई दफा इसको रिटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ ये इंडेक्स गया। तो अब इस वक्त जो देखें, जो नैरो बैंड जो नजर आ रहा है वो 57,500 और 56,500, ये 1,000 पॉइंट के अंदर अंदर ही हो सकता है मूव करे। और अगर जैसे मैंने पहले बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा तो आने वाले दिनों में इसको भी ब्रेक कर देगा। तो इसी हिसाब से जो अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी वो प्लान करें और अकॉर्डिंगली काम करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।